हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जब भी जो हमारे क्लास को देख रहे हो उन सब के लिए मैंने ये बात बोला, और क्लास चालू करना मैं थोड़ा लेट हुआ, इसलिए कि मेरा जो सीए का ऑफिस है, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मेरा जो ऑफिस है, ऑफिस का थोड़ा काम बहुत ज्यादा था अभी, तो इसकी वजह से ऑफिस का काम और ऊपर से तबीयत भी थोड़ा खराब था, तो इसकी वजह से थोड़ा क्लास में डिले हो रहा है, क्लास लेट से चालू हुआ। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम पढ़ाई शुरू करेंगे और बेकार की बातें नहीं करेंगे, ठीक है? और मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया हो, बहुत अच्छे से हो, अपना घर में हो, सेफ हो, ठीक है? चलिए, बट पढ़ाई में आपका कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हम है ना, ठीक है? पढ़ाई में आपका कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब तक लॉकडाउन चालू रहेगा हम तब तक ऐसा ऑनलाइन में क्लास करेंगे, मैं क्लास आपको प्रोवाइड करूंगा। आप कोई भी क्लासेस, मतलब ऐसा करेंगे नहीं, एक क्लास देखें, मतलब क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 3 ऐसा दिया जाएगा, तो एक एक करके देखेंगे। ऐसा नहीं कि हो सकता है हम जो अभी चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो कंपनी अकाउंट्स का, शेयर कैपिटल का चैप्टर हम शुरू करेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके कंपनी अकाउंट्स का जितना सारा भी चैप्टर्स होता है तो हम क्या करेंगे, उसे कवर करते जाएंगे। लेकिन कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये चैप्टर तो हम पढ़ चुके हैं। देखिए, आप पढ़े थे वो अलग बात है, मैं आपको पूरा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वहां से मैं शुरू करूंगा। हो सकता है आप बहुत ज्यादा पढ़ रखे हो, उसे मुझे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई लेन देन नहीं है हमें। हम पूरा चैप्टर का जीरो से स्टार्ट करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे। मैं आपको ये भी बताऊंगा कंपनी क्या होती है, कंपनी के कितने प्रकार होते हैं, कंपनी किस तरह के बिजनेस करती है, कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट होती है, ये सारा भी हम चीज सीखेंगे। इंपॉर्टेंट है कि अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स जो होते हैं, अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू कंपनी, अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स जो होती है वो सारा चीज हम डील करेंगे, धीरे 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 करके हम कवर करते जाएंगे, ठीक है? आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे, मैं जो जो प्रैक्टिस कराऊंगा, सवाल आपको दिखाऊंगा, ठीक है? कुछ क्लासेस हम यहाँ पे बोर्ड में करेंगे और कुछ क्लासेस जो है हम कॉपी में मैं सॉल्व करूंगा, आप भी मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है? वो डिपेंड करेगा कौन सा क्लास हम बोर्ड में कर लेंगे, कौन सा क्लास हम कॉपी पे करेंगे, ठीक है? ऐसा करते करते हम क्लास खत्म करेंगे। और सीपीआई का जो फेसबुक पेज है, सीपीआई का जो फेसबुक पेज है वहां पे मैं जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा वहां पे क्वेश्चंस अपलोड हो जाएंगे, आप वहां से जो क्वेश्चन पेपर है डाउनलोड कर लेना, बिकॉज उसी पेपर से हम जो है प्रैक्टिस करेंगे। और वैसे दिक्कत भी नहीं होगा अगर डाउनलोड आप नहीं करते, बिकॉज मैं क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा कैमरा में, ठीक है? चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं, इसको बंद करो, तो हम सीधा पहले कॉपी पे आते हैं, कॉपी में कुछ डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद बात क्या करेंगे, कभी कभी होगा हम बोर्ड पे आके आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा बोर्ड में, वो भी करेंगे। जहां पे जैसा मतलब प्रैक्टिस करवाया जाएगा वैसा बिल्कुल मेरे साथ साथ चलना, मैं सवाल मतलब पढ़ूंगा, आप भी मेरे साथ साथ सवाल देखना, रीड करना, मैं सवाल प्रैक्टिस करूंगा, आप भी मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करना। कुछ बच्चे क्या करते हैं पता, देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, उससे फायदा नहीं होगा बच्चे, आप मेरे साथ साथ सवाल भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? चलो इसको बंद करो। चलिए जी, कंपनी अकाउंट्स शुरू करते हैं, ठीक है? मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा, ठीक है? आप समझिएगा।
सबसे पहले हमें यह समझना है कंपनी किसे बोलते हैं, कंपनी किसे बोला जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे, कंपनी किसे बोला जाता है ये समझेंगे। सर कंपनी किसे बोला जाता है, बच्चे क्या आपको पता नहीं कि कंपनी जो एक्ट होता है, कंपनीज एक्ट होते हैं, ठीक है। कंपनीज एक्ट में अगर पढ़ रखें आप तो वहां पे कंपनी को डिफाइन किया गया, कंपनी को डिफाइन किया है कैसे किया पता है, आप हंसोगे, बोला है कंपनी का मतलब वो है जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 में, जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर में रजिस्टर हुआ है। कंपनी किसे बोलेंगे ना, वो कंपनी उसे बोला जाएगा द कंपनीज व्हिच इज रजिस्टर अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, या नहीं तो वो पहले कभी प्रीवियस एक्ट में रजिस्टर हुआ था। सर समझ में नहीं आया, मान लीजिए पहले, इससे पहले ये जो कंपनी एक्ट 2013 है ना, इससे पहले एक्ट हुआ करता था 1956, कंपनीज एक्ट 1956 हुआ करता था। अगर इस एक्ट के तहत कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी और वो कंपनी अभी भी है, उसे भी कंपनी बोला जाएगा, और जो 2013 आने के बाद इनकॉर्पोरेट हुए हैं उन्हें भी कंपनी बोला जाएगा। सिर्फ इतना लिखा, बट अब ये तो एक्ट में लिख दिया, एक्ट में तो इससे ज्यादा नहीं लिखा। हाँ सर ज्यादा नहीं लिखा, तो सर हमें क्या समझना है, बच्चे सुनो, हमें समझना किस तरह से है कंपनी को, मैं एक बात बोलता हूँ। बच्चे आप बचपन में कहीं ना कहीं बिजनेस स्टडीज कोई किताबें पढ़े थे, वहाँ पे टाइप्स ऑफ बिजनेस हुआ करता था, याद है आपको, टाइप्स ऑफ बिजनेस हुआ करता था। वहाँ पर हम लोग पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे, एक होता था सोल ट्रेड बिजनेस या सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, एक होता था पार्टनरशिप बिजनेस, एक होता था पार्टनरशिप बिजनेस, और होता था कंपनी या जॉइंट स्टॉक कंपनी ऐसा, और बाकी भी बहुत सारा था, हिंदू इंडिपेंडेंट फैमिली, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इस तरह से बहुत सारे कंपनी हुआ करते थे। हाँ सर, बट ये सब में बच्चे, ये सब टाइप्स ऑफ बिजनेस है, लेकिन इनमें कहीं ना कहीं डिफरेंस है। सर क्या डिफरेंस है, बच्चे सोल ट्रेड बिजनेस में क्या होता है, उसमें एक बंदा होता है, वन पर्सन होता है, तो अब क्या होता है, वो पैसा इन्वेस्टमेंट करता है, वो सारा रिस्क लेता है, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। अब पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनर लोग होते हैं, दो चार पार्टनर, पार्टनर लोग होते हैं, वो लोग अपना बिजनेस करते हैं, वो बात अलग है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स क्या होगा, इनके सब बैंकिंग कंपनी, इनके सब नॉन बैंकिंग कंपनी, ये अलग बात है, जाना दीजिए। वैसे ही आजकल LLP बहुत ज़्यादा चल रहा है, LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर्स, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, इसका भी अपना अलग एक्ट है, एक्ट इसका 2008 है बच्चे, इसका एक्ट लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, वो ये पार्टनरशिप से अलग है, लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस है, लेकिन इसका लाइबिलिटी जो है लिमिटेड है, बहुत बात है, हम इस पर नहीं जाना चाहेंगे। और होती है कंपनी, अब कंपनी में क्या होता है, देखिए यहाँ पे जो पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं बच्चे, पार्टनर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पार्टनर। यहाँ पर जो पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं सोल ट्रेड बिजनेस में, उन्हें क्या बोलते हैं बच्चे, ओनर बोलते हैं, मतलब सोल प्रोपराइटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सोल प्रोपराइटर बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं बच्चे, कंपनी में जो पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसमें बहुत लोग होते हैं, ऐसा नहीं कि एक, मतलब सिंगल टाइप ऑफ पर्सन जो है पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, बात को ध्यान से सुनिएगा, ये कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं पैसा, इसमें बहुत लोग होते हैं। सर कौन लोग होते हैं कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने वाले, सबसे पहले अपने लोग होते हैं, जिसको बोला जाता है शेयर होल्डर, शेयर होल्डर बोला जाता है, समझ में, क्या बोला जाता है, शेयर होल्डर। और कुछ लोग होते हैं
जिनको हम डिबेंचर होल्डर बोलेंगे, डिबेंचर में जो पैसा लगाते हैं, मैं डेट लिख दिया शॉर्टकट में, ठीक है। और उसके बाद कुछ लोग होते हैं बॉन्ड में पैसा लगाते हैं, और बहुत सारा ऐसा है, लोन होता है, बाकी भी चीज होता है, ठीक है। बट कंपनी में जो पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो शेयर होल्डर हैं, ये जो शेयर होल्डर हैं, इनमें से फिर दो प्रकार के शेयर होल्डर होते हैं। मैं इधर आ जाता हूँ, फिर शेयर होल्डर जो हैं इनमें से फिर दो प्रकार के आ गए। एक हो गए इक्विटी शेयर होल्डर, एक हो गए प्रीफरेंस शेयर होल्डर। एक हो गए क्या? इक्विटी शेयर होल्डर। दूसरे क्या हो गए? प्रीफरेंस शेयर होल्डर। सर कंपनी में इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं बच्चे? हमारे पास मतलब पब्लिक पब्लिक के पास अगर बहुत ज़्यादा पैसा होती है, वो चाहते हैं उस पैसे को इन्वेस्टमेंट करके इनकम कुछ कर ले, और कंपनी चाहती है उसका बिजनेस को बढ़ाए। दोनों का रिक्वायरमेंट है। क्या है मैं बता देता हूँ, नेक्स्ट पेज में बता देता हूँ, सुनिए। ये है बच्चे कंपनी। कंपनी को पैसा चाहिए। इधर लोग हैं, इधर हम पब्लिक बच्चे हैं। देखो पब्लिक लोग, इधर पब्लिक लोग, हमारे देश के महान पब्लिक लोग यहाँ पे, समझ भाई? ये हैं पब्लिक लोग, ठीक है। ऐसा बहुत सारे पब्लिक लोग हैं हमारे देश में, जानते हो कितना चालाक पब्लिक है, कुछ भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, कंपनी को पैसा चाहिए ताकि वो कंपनी बिजनेस बढ़ा सके, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है। पब्लिक लोग के पास बहुत पैसा, वो चाहते हैं हम कहीं पर पैसा लगाएं, हमारा रिटर्न जो हो ज़्यादा हो, हमको वो पैसा लगाकर हमसे उसे उस, हम जब पैसा लगाएंगे उससे कुछ फायदा हो जाएगा, ठीक है। सब ऐसा ऐसा है। तो अब कंपनी को जब पैसा चाहिए ना बच्चे, कंपनी को जब पैसा चाहिए, उसका कई सारा सोर्स है, SOURCES, सोर्सेस ऑफ फंड। कंपनी को अगर पैसा चाहिए, वो कहाँ कहाँ से ला सकते हैं? सोर्सेस ऑफ फंड, कंपनी को अगर पैसा चाहिए वो कहाँ से ला सकते हैं? सर कंपनी को पैसा चाहिए वो कहाँ से ला सकते हैं? आप बोलेंगे सर पब्लिक से लाएंगे पैसा। सर पब्लिक जो है ये कंपनी को कैसे बिलीव करेंगे कि इस कंपनी में पैसा लगा दें हम? कैसे बिलीव करेंगे? देखिए बच्चे, कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है ना, कंपनी जो बनी हुई है ना, कंपनी जो बनती है, कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर में बनी हुई है। सर 2013 एक्ट, सर एक्ट में तो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। हाँ जी, अब देखो कंपनीज एक्ट 2013, ये एक्ट को जो चलाते हैं वो कौन है? MCA है। कौन है? MCA। सर MCA क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है। इसका मतलब कंपनी जो रजिस्टर होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में रजिस्टर होती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इन्हें सर्टिफिकेट देती हैं। कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होता है, इनकॉर्पोरेट होने के बाद ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स है MCA, उसका मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स का बहुत सारा ऑफिसेस हैं जिसको बोलते हैं ROC, समझ भाई? ROC बोलते हैं। ROC क्या होता है सर? रजिस्टर ऑफ कंपनी, वह रजिस्टर ऑफ कंपनी, ठीक है। हर स्टेट में एक एक ROC है ऑफिस, MCA का ऑफिस है जिसको बोलते हैं रजिस्टर ऑफ कंपनी, कॉरपोरेट भवन भी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो हर स्टेट में एक एक है, वो अलग बात है, कुछ स्टेट ऐसा है जहाँ पे दो भी ROC हैं। चलिए जाने दीजिए। अब ये ROC जो है, कंपनी जो इनकॉर्पोरेट होती है, अब देखो मैं कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे होती है मैं बता नहीं सकता आपको, क्योंकि आपको सेक्शन 7 पढ़ना चाहिए। सेक्शन 7 ऑफ कंपनीज एक्ट, सेक्शन 7 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 जब पढ़ोगे, वहाँ पे कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बारे में डिटेल्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं अभी आपको नहीं बताऊँगा, इसलिए कि टाइम वेस्ट हो जाएगा,
हमारा काम कंपनी इनकॉर्पोरेशन नहीं है, हमारा काम है कंपनी से रिलेटेड जो फाइनेंशियल एक्टिविटी है उस पर बात करना, अकाउंटिंग एस्पेक्ट के ऊपर हम लोग बात करेंगे। बात समझ भाई? तो ये मैं थ्योरी नहीं बताना आया आपको, वैसे हम बहुत सारा थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, जो जो थ्योरी हमको अकाउंटिंग से लिंक है, अकाउंटिंग एस्पेक्ट से जुड़े हुए हैं, तो वो थ्योरी को हम लोग पढ़ेंगे और मैं आपको भी लिख पाऊंगा और नोट्स भी दूंगा। समझ भाई? हाँ सर समझ भाई, चलिए आगे चलते हैं। तो सेक्शन 7 2013 कंपनी चैप्टर 13 जो वहाँ पे लिखा हुआ है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का बात वहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत सारी बातें हैं, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, फिर से दोबारा से बोल रहा हूँ, ठीक है? हाँ सर। तो ROC जो है, रजिस्टर ऑफ कंपनी जो है, इन्हें सर्टिफिकेट देते हैं कि हाँ कंपनी बन गई, उसे बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्या बोलते हैं? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं, COI, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। उस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में इस कंपनी का रजिस्टर नंबर भी लिखा होता है, रजिस्टर नंबर भी लिखा होता है। समझ भाई? और इस कंपनी में कौन कौन शेयर होल्डर हैं और कौन कौन डायरेक्टर हैं, इस कंपनी का सारा डॉक्यूमेंट्स होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, बहुत सारे रजिस्टर होते हैं इस कंपनी, ये किसका, इस कंपनी का, तो वहाँ पे बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स होता है इस कंपनी का। जैसे कि मेजर डॉक्यूमेंट अगर बोला जाए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, अगर डॉक्यूमेंट का बात बोला जाए, मेजर डॉक्यूमेंट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, कंपनी का ये दो मेजर डॉक्यूमेंट है, जो पूरा ये कंपनी का जो इन्फॉर्मेशन है ये इसी दो डॉक्यूमेंट्स में आपको मिल जाएंगे, ठीक है? किसी भी कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, ये डॉक्यूमेंट, दो डॉक्यूमेंट जो है वो चेक करोगे तो पता चल जाएगा। सर ये दोनों डॉक्यूमेंट कहाँ पे होते हैं कंपनी का? देखिए MCA को वेबसाइट में अगर जाएंगे, ठीक है, जैसे कि उसका होता है www.mca.gov.in, यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे, जिस कंपनी का आप डॉक्यूमेंट देखना चाहेंगे मिल जाएंगे वहाँ पे। चलिए हटाइए वो बात को। अब देखिए कंपनी को पैसा चाहिए, पब्लिक लोग पैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन हमारा मुद्दा कहाँ पे है, ये पब्लिक लोग कैसे बिलीव करेंगे कंपनी को? देखिए बच्चे, कंपनी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है रजिस्टर किए हैं, जो ROC जो सर्टिफिकेट दिए होंगे ना, वो सर्टिफिकेट को देखकर पब्लिक को भरोसा करना होगा, कंपनी कितनी अच्छी है, कंपनी कितनी बुरी है और कंपनी का क्या क्या चल रहा है क्या नहीं। समझ में आई बात? चलिए, तो पैसा चाहिए, पैसा जब चाहिए कंपनी को, अगर पैसा चाहिए तो कई सारे सोर्सेस हैं पैसा लाने के, कंपनी को अगर पैसा चाहिए वो पब्लिक से पैसा ला सकते हैं, पब्लिक से पैसा लाने का बहुत सारा सोर्सेस है। एक सोर्स क्या है, शेयर इशू करके पैसा लाना है, आज का मुद्दा हमारा यही रहेगा, शेयर इशू होके पैसा कैसे आता है। समझ भाई? सबसे पहली बात, शेयर किसे बोला जाएगा ये देख लेते हैं अपन लोग। सबसे पहली बात क्या, शेयर किसे बोला जाएगा? बच्चे देखिए, कंपनी को चाहिए मान लीजिए 10 लाख रुपया चाहिए। कितना चाहिए कंपनी को? चाहिए कितना? 10 लाख रुपया चाहिए कंपनी को, चाहिए 10 लाख रुपया। लेकिन 10 लाख रुपया एक आदमी से लाना नहीं चाहते, चाहते हैं कई सारे आदमी उनको पैसा दें। अगर एक आदमी पैसा देंगे 10 लाख रुपया, तो पूरा का पूरा कंपनी का कैप्चर जो है वो एक आदमी के पास आ जाएगा। कंपनी बहुत चालाक है बच्चे, कंपनी चाहते हैं एक आदमी से ना ले, कई सारे आदमी से जो है 10 लाख रुपया ले। तो अब देखिए कौन कितना देगा, कैसे पता चलेगा कितना कौन देगा, किसको कितना देना चाहिए। अब यहाँ पे कंपनी को जब 10 लाख रुपया चाहिए, कंपनी को चाहिए कितना, 10 लाख रुपया, अब वो क्या करेंगे, ये पब्लिक लोग से पैसा लाना चाहेंगे, पब्लिक लोग क्या करेंगे, सर्टिफिकेट खरीदेंगे। किसका? कंपनी का सर्टिफिकेट खरीदेंगे। मान लो कंपनी जो है बहुत सारा सर्टिफिकेट बनाएंगे, देखिए कैसा सर्टिफिकेट बनता है, बहुत सारा सर्टिफिकेट बनाएंगे कंपनी, ठीक है, बहुत सारा सर्टिफिकेट्स बनाएंगे, ऐसा करके बहुत सारा सर्टिफिकेट्स बनाएंगे, ठीक है, बहुत सारा सर्टिफिकेट्स बन गया। एक सर्टिफिकेट का वैल्यू होता है बच्चे, एक सर्टिफिकेट का वैल्यू होता है 100 रुपया। कितना? एक सर्टिफिकेट का वैल्यू कितना? 100 रुपया। एक सर्टिफिकेट का वैल्यू कितना? 100 रुपया। बच्चे
अगर कंपनी चाहते हैं 10 लाख रुपया कलेक्शन करना पब्लिक से 10 लाख रुपया कलेक्शन करना चाहते हैं, एक सर्टिफिकेट का वैल्यू अगर 100 रुपया होता है, तो इसी तरह से कितना सर्टिफिकेट बनाया जाएगा, कितना सर्टिफिकेट बनाया जाएगा बोलो। अगर 10 लाख रुपया कलेक्शन करना है, एक सर्टिफिकेट का वैल्यू अगर 100 रुपया होता है, तो नंबर ऑफ सर्टिफिकेट क्या रहेगा, नंबर ऑफ, मैं लिख देता हूँ, नंबर ऑफ सर्टिफिकेट क्या रहेगा बोलो, नंबर ऑफ सर्टिफिकेट कैसे होगा बच्चे, हमको पूरा का पूरा चाहिए कितना, 10 लाख चाहिए, डिवाइडेड बाई एक सर्टिफिकेट का वैल्यू कितना 100, तो नंबर ऑफ सर्टिफिकेट कितना हो जाएंगे, कट कितना हो गया बच्चे, 10,000 सर्टिफिकेट चाहिए, 10,000 सर्टिफिकेट चाहिए। अब सुनो बच्चे, ये सर्टिफिकेट नहीं है, इसको मैंने क्या किया, काटा, क्या लिखूंगा, इसको बोलूंगा शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स, ये जो है 10,000 बच्चे क्या है, शेयर्स, 10,000 शेयर्स, ये जो 100 रुपया है, ये 100 रुपया, एक शेयर का वैल्यू कितना 100 रुपया, एक शेयर का वैल्यू कितना, एक सर्टिफिकेट का वैल्यू, और सर्टिफिकेट मैं नहीं बोलूंगा पूरा बिल्कुल, इस चैप्टर में और सर्टिफिकेट का नाम नहीं लूंगा, मैं नाम क्या लूंगा, शेयर लूंगा, क्या नाम लूंगा, इसका नाम क्या लूंगा, शेयर लूंगा। तो एक शेयर का वैल्यू कितना 100 रुपया, एक शेयर का वैल्यू कितना 100 रुपया, वैसा कितना शेयर बनाया होगा, कितना शेयर, कितना नंबर शेयर बनाए होंगे बोलो, ऐसा कितना नंबर शेयर, तो यहाँ पर 10,000 शेयर बनाए होंगे कंपनी, समझ में आई। तो इसका क्या हुआ, मैंने 10,000 शेयर बनाए, तो एक शेयर का वैल्यू कितना 100, 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 ऐसा 10,000 शेयर्स अगर हैं, इनटू 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 लाख आएगा। तो हमें अगर लिखना है व्हाट इज शेयर, लिखो मेरे साथ साथ, व्हाट इज शेयर लिखो, व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इंटू स्मॉल यूनिट्स देन इच यूनिट इज कॉल्ड शेयर। कुछ समझ में आया, जब टोटल कैपिटल को हम डिवाइड कर दिए किससे, स्मॉल यूनिट में, मतलब ये टोटल था ना, हमको 10 लाख चाहिए, हम एक एक यूनिट में डिवाइड कर दिए, एक यूनिट, दो यूनिट, तीन यूनिट, चार यूनिट, पांच यूनिट, ये सब एक यूनिट, एक छोटा रुपया में 100 रुपया में डिवाइड कर दिए, हर एक यूनिट को क्या बोला जाएगा, शेयर बोला जाएगा, ठीक है। तो ये 10,000 शेयर्स, लेकिन हर एक को क्या बोला जाएगा, शेयर से जो पैसा आएगा उसे बोलेंगे क्या, शेयर कैपिटल। अब मेरी बात को सुनो, अब फिर शेयर का मतलब समझ में आया, व्हाट इज शेयर, व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स या स्मॉल पार्ट्स देन इच यूनिट और इच पार्ट इज कॉल्ड शेयर। मेरी बात समझ में आ गई, अच्छा अब देखो, 10 लाख जब 10 लाख हमें पैसा कलेक्शन करना है, 10 लाख पैसा अगर कलेक्शन करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट डालेंगे, क्या करेंगे, एडवर्टाइजमेंट कि कंपनी का नाम मैं दे देता हूं, सीपीआई लिमिटेड पब्लिक कंपनी, चलिए सीपीआई लिमिटेड, ठीक है, टाइप्स ऑफ कंपनी है, मैं आपको बताया नहीं, मैं पहले अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स में आ गया, हम धीरे धीरे सब पढ़ेंगे, धीरे धीरे सब पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ कंपनी क्या है, टाइप्स ऑफ शेयर क्या है, धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ ऐसा नहीं, मैं रोटी अच्छे से बना लूँ आपको दूंगा, आप खाइए, अगर जल्दी बोलेंगे जल्दी जल्दी रोटी बना के दो, अब मेरा हाथ जल जाएगा रोटी कैसे खाएंगे, बिल्कुल नहीं खा पाएंगे, समझ में आई बात, आपको धीरे धीरे गरम गरम रोटी दिया जाएगा, आप गरम गरम खाइए, बस धीरे खाइए, ऐसा नहीं अचानक से दो 10 रोटी दो, कैसे होगा, ठीक है। चलो सीपीआई लिमिटेड को 10 लाख रुपया चाहिए, 10 लाख रुपया चाहिए, ठीक है। अब 10 लाख रुपया कैसे लाना चाहते हैं, 10,000 शेयर इशू करके लाना चाहते हैं, 10,000 शेयर इशू करेंगे, 100 रुपीज़ 100 इच,
₹100 इस तरह से लाना चाहते हैं, ठीक है। तो पब्लिक में एडवर्टाइजमेंट डालू, तो पब्लिक लोग सब क्या करेंगे, यहाँ पर देखो पब्लिक लोग सब, पब्लिक लोग क्या करेंगे जल्दी से बोलो क्या करेंगे लोग। इसमें से कोई एक आदमी ऐसा नहीं बोलेगा मैं 10 लाख, ऐसा नहीं होता है कंपनी में। मान लो ये एक बंदा था, ये बोला मैं 1000 शेयर खरीदूंगा, मतलब ये चाहता है 1 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट करना, कितना चाहता है 1 लाख। ये बोला मैं 500 शेयर में 50,000 इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। ये बोला मैं 300 शेयर खरीदूंगा, मतलब 30,000। ये बोला मैं 2000 शेयर खरीदूंगा, मतलब 2000 × 100 कितना हो जाएगा 2 लाख। ऐसा करके पब्लिक लोग जो हैं अपना एप्लीकेशन देते हैं, क्या करते हैं पब्लिक लोग अपना, जैसा मैंने एडवर्टाइजमेंट ये दिया पेपर में, न्यूज़पेपर में, तो क्या हो गया पब्लिक लोग जो हैं क्या करते हैं एप्लीकेशन क्या करते हैं देते हैं, किसको अप्लाई करते हैं एप्लीकेशन के साथ, ठीक है। एप्लीकेशन के साथ क्या करते हैं अप्लाई करते हैं कि हाँ हम लोग शेयर खरीदेंगे ऐसा एप्लीकेशन में देते हैं, किसको सीपीआई लिमिटेड को एप्लीकेशन देते हैं। सीपीआई लिमिटेड को पता चलता है कौन कौन लोग शेयर खरीदेंगे सीपीआई लिमिटेड को पता चलता है, समझ भाई। अच्छा बच्चे, सीपीआई लिमिटेड को जब पता चल जाता है कौन कौन लोग शेयर खरीदेंगे, जब सीपीआई लिमिटेड बोलेगा ठीक है आप सब शेयर खरीदो और पैसा दो, तो सीपीआई लिमिटेड देखो इन लोग क्या किए, पब्लिक लोग क्या किए, सीपीआई लिमिटेड को एप्लीकेशन दिए कि हाँ हाँ हम लोग शेयर खरीदेंगे, लेकिन हुआ क्या, फिर सीपीआई लिमिटेड ना कंफर्म होने के बाद क्या करेंगे, सीपीआई लिमिटेड जो है उनको बुलाएंगे और बोलेंगे ठीक है पैसा दो और सर्टिफिकेट लेकर जाओ, मतलब शेयर जो है इशू करेंगे, पैसा लेंगे, पैसा रिसीव करेंगे और उसके बाद क्या होगा, पैसा रिसीव करके शेयर जो है इशू करेंगे किसको पब्लिक को, समझ भाई बात। लेकिन यहां पे एक दिक्कत है, क्या दिक्कत है, मान लो पब्लिक लोग कुछ शैतान पब्लिक होते हैं, नालायक पब्लिक होते हैं, उनमें से बहुत सारे पब्लिक में से कुछ नालायक पब्लिक थे, वो क्या किए, उनका इंटेंशन था ही नहीं इन्वेस्टमेंट करने का, लेकिन एप्लीकेशन दे दिए, क्या जाता है एप्लीकेशन देना में, हाँ हम भी शेयर लेंगे ऐसा एप्लीकेशन देने में क्या जाता है उनका, कुछ नहीं जाता है, बात समझ भाई। तो उन्होंने क्या किया, पब्लिक लोग एप्लीकेशन दे दिए हम ले लें, जब सीपीआई लिमिटेड ने उनको उन्हें बुलाया ठीक है तुम पैसा लेकर आओ और शेयर लेकर जाओ, वो आए नहीं, क्या किया नहीं, वो आए नहीं। अब क्या होगा बच्चे, इसका मतलब सीपीआई लिमिटेड का बुरा हाल हो जाएगा, ठीक है सीपीआई लिमिटेड क्या होगा बुरा हाल हो जाएगा। इसलिए कंपनीज एक्ट में ऐसा रूल बनाया जाता है कि जब पब्लिक लोग एप्लीकेशन देंगे, पब्लिक लोग जब अप्लाई करेंगे एप्लीकेशन देंगे, उसके साथ साथ एप्लीकेशन के साथ साथ कुछ पैसा भी देंगे, जिसको बोला जाएगा एप्लीकेशन मनी। सर ऐसा क्यों, अगर एप्लीकेशन मनी के साथ एप्लीकेशन पैसा रिसीव नहीं करेंगे, ये लोग ओनली विदाउट एप्लीकेशन मनी एप्लीकेशन अगर दे देंगे सीपीआई लिमिटेड कल बुलाएगा उनको, ठीक है आओ तुम लोग को मैं शेयर सर्टिफिकेट दूंगा और पैसा दोगे, तो लोग आएंगे नहीं, क्या होगा कंपनी का हाल बुरा हो जाएगा, कंपनी और पैसा रिसीव नहीं कर पाएंगे। जब वो एप्लीकेशन मनी के साथ एप्लीकेशन देते हैं, जब फिर सीपीआई लिमिटेड उनको शेयर देने के लिए बुलाएगा वो जरूर आएंगे, बात समझ में आई। तो इसलिए ये पैसा जो है, जो मैंने बोला था फिर से दोबारा से लिख रहा हूँ 10,000 शेयर के लिए ₹100 लेना है तब जाकर होगा कितना बच्चे 10 लाख रुपया, तब जाकर कितना होगा 10 लाख रुपया। अब
एडवर्टाइजमेंट किया जाएगा, एडवर्टाइजमेंट किया गया सीपीआई लिमिटेड ने किया 10 लाख रुपए के लिए इतना ईच, और पब्लिक लोग एप्लीकेशन दिए। ये जो 100 रुपया है ना एक शेयर का, एक शेयर प्रति 100 रुपया, ये इकट्ठा रिसीव नहीं किया जाता है बच्चे। 100 रुपया जो है एक शेयर के प्रति 100 रुपया इकट्ठा, एक साथ 100 रुपया रिसीव नहीं किया जाता है। तो होता क्या है, थोड़ा थोड़ा पार्ट पार्ट में रिसीव किया जाता है, स्टेज वाइज रिसीव किया जाता है, ठीक है। और ये एक शेयर के प्रति 100 रुपया, जो एक शेयर के प्रति 100 रुपया रिसीव करने का तरीका क्या है, एक होता है एप्लीकेशन का स्टेज, एप्लीकेशन पैसा रिसीव हो जाने के बाद पूरा पैसा, ये 100 रुपया हो सकता है एप्लीकेशन में ले जाएं 40 रुपया, एप्लीकेशन के टाइम में 40 रुपया, जब कंपनी का एड एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में दिया गया होगा, कंपनी ने बोल दिया होगा पब्लिक लोग जो शेयर खरीदना चाहता है वो एप्लीकेशन के साथ साथ वो 40 रुपया, एक शेयर के प्रति 40 रुपया दे। अब देखो बच्चे, ये जो बंदा था, ये जो एक पब्लिक में से ये एक बंदा था, ये 1000 शेयर खरीदना चाहता था, ये एप्लीकेशन जब देगा, अपना अप्लाई करेगा शेयर खरीदने के लिए, तो सीपीआई लिमिटेड को 1000 शेयर खरीदना चाहता है तो क्या करेगा, 1000 × 40, 40,000 रुपया एप्लीकेशन के साथ साथ वो देगा पहले। इस तरह से बाकी सब लोग भी देंगे अपना अपना पैसा, तो 40,000 रुपया एप्लीकेशन में आ जाएगा। फिर कंपनी क्या है, कंपनी क्या करेंगे, उनको पता चल जाएगा कितने पब्लिक लोग हमारे शेयर खरीदना चाहते हैं। हो सकता है कंपनी चाहती है 10,000 शेयर इशू करना, हो सकता है पब्लिक लोग खरीदने वाले 12,000 हो जाए, हो सकता है पब्लिक लोग खरीदने वाले 8,000 हो जाए, ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, इसका कॉन्सेप्ट अलग है। अभी मानकर चलते हैं 10,000 कंपनी इशू करना चाहती थी शेयर पब्लिक लोग को, और पब्लिक लोग भी अप्लाई जो किए हैं 10,000 पूरा का पूरा फुल, कम ज्यादा हुआ तो क्या कॉन्सेप्ट होगा मैं बाद में बताऊंगा, आप चिंतित मत होइए, अभी समझिए बात को। 10,000 शेयर्स कंपनी के पास है, कंपनी इशू करना चाहते हैं और पब्लिक भी चाहते हैं 10,000 लेना, और पब्लिक जो अप्लाई किए हैं एप्लीकेशन मनी के साथ तो वह भी 10,000 ही है, ये मानकर चलिए आप। तो क्या होगा, एप्लीकेशन में ले लिया गया 40 रुपये, लेकिन एप्लीकेशन का पैसा लेते टाइम पब्लिक लोग को शेयर दिया नहीं गया है, पब्लिक लोग को शेयर दिया कैसे दिया जाएगा, उन्होंने तो अप्लाई किया है, थोड़ी उनको शेयर होल्डर बना दिया गया। अब तक मैं पब्लिक बोल रहा हूँ, अब तक इन लोग को शेयर होल्डर नहीं बोला मैंने, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, मैं अब तक पब्लिक बोलता रहा, एप्लीकेशन का पैसा भी रिसीव हो गया तब भी मैं क्या बोलता रहा, क्या बोला बच्चे, क्या बोला, शेयर होल्डर नहीं बोला, तब तक भी पब्लिक बोलता रहा, पब्लिक लोगों ने जो शेयर खरीदने वाले हैं एप्लीकेशन के साथ साथ 40 रुपया दिया। बात समझ में आई? हाँ सर। फिर कंपनी क्या करेंगे, देखिए पब्लिक लोग अप्लाई किए हैं हमारे पास, कंपनी क्या करेंगे, सीपीआई लिमिटेड जो है सारे पब्लिक को बुलाएगी, पब्लिक को क्या करेगी, बुलाएगी, क्यों बुलाएगी, क्यों बुलाएगी, शेयर, शेयर क्यों बुलाएगी जी, क्यों बुलाएगी, शेयर अलर्ट करने के लिए, शेयर सर्टिफिकेट को अलर्ट करने के लिए कि हाँ आप लोग जो हो शेयर खरीदोगे और आपको शेयर इशू किया जाता है और आपको शेयर सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, शेयर अलर्ट करने के लिए। इसका मतलब क्या हो गया, और जब शेयर अलर्ट करेगी कंपनी, शेयर जब अलर्ट की अलर्टमेंट करेगी, शेयर सर्टिफिकेट जब दे देगी कंपनी, तो उस टाइम पे फिर कंपनी पब्लिक को बोलेगी, सुनो भाई साहब तुम लोग को शेयर इशू किया जाएगा, तुम लोग को शेयर अलर्ट किया जाएगा, लेकिन अलर्टमेंट करते टाइम तुमने 40 रुपया दिया था, क्योंकि शेयर का पैसा कितना होता है 100 रुपया, तुमने अभी दिया कितना एप्लीकेशन के टाइम पे 40 रुपया, पर अलर्टमेंट के टाइम पे ना तुम कितना लाना, कितना लाना 30 रुपया लाना, और 30 रुपया अलर्टमेंट के टाइम पे लाना। पब्लिक लोग बोलेंगे अरे 40 रुपया दिए थे, 30 रुपया फिर अलर्टमेंट के टाइम पे देंगे, बाकी रहेगा कितना, बाकी रहा कितना 100 रुपया लेना है ना, 40 रुपया एप्लीकेशन के टाइम पे ले लिया गया पब्लिक से, अब तक मैं पब्लिक बोल रहा हूँ, अब तक पब्लिक बोल रहा हूँ, 30 रुपया फिर अलर्टमेंट, शेयर जो अलर्ट किया गया 30 रुपया ले लिया गया, 70 रुपया और 30 रुपया रहा, और रिमेनिंग जो बैलेंस है, रिमेनिंग जो बैलेंस है वो कितना है, ₹30। ये कब, कंपनी को जब चाहिए वो लेंगे, कंपनी कॉल करेगी भाई साहब तुम 30 रुपया और दो, जब ये 40 रुपया एप्लीकेशन का आ गया प्लस प्लस
₹30 अलॉटमेंट में आ गया और ₹30 कंपनी जो बुलाई कॉल की उसमें भी पैसा आ गया। ठीक, कंपनी को जब चाहिए वो ₹30 लेंगे, ये आ गया पूरा का पूरा 40, 30 और 30 जब आ गया तो उन्हें क्या किया जाएगा, शेयर होल्डर बना दिया जाएगा। क्या किया जाएगा, ये लोग क्या हो जाएंगे, शेयर होल्डर हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे जी, शेयर होल्डर बन जाएंगे। ठीक है, इसे बोलते हैं फुल्ली पेड। क्या बोलते हैं फुल्ली पेड हुआ बोल के। सर मैंने बोला जी सर, मान लीजिए कोई शेयर होल्डर ना, अब देखो मैं और पब्लिक नहीं बोलूँगा बच्चे, और मैं पब्लिक नहीं बोलूँगा, तो क्या बोलूँगा, अब शेयर होल्डर बोलूँगा। ठीक है, उनको शेयर जब अलर्ट कर दिया जाएगा तो क्या बन जाएंगे, शेयर होल्डर बन जाएंगे। ठीक है सर मैंने बोला जी सर, कोई शेयर होल्डर ₹40 देता एप्लीकेशन के टाइम पे, अलर्टमेंट के टाइम पे दिया ₹30। सर वो ₹30 बिल्कुल दिया नहीं, खेलता रहा हमारे साथ, मतलब कंपनी के साथ, मैं दूंगा नहीं, तो क्या किया जाएगा बच्चे, हम पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे, आप चिंता मत कीजिए, ये भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, मैं अभी नहीं बताने वाला, अभी सब अच्छे पब्लिक हैं, अच्छे शेयर होल्डर हैं, सोना चांदी मुन्नू गुन्नू सब हैं। ठीक है, मैं बाबू, मैं सोनू, मैं गोनू, मैं चोनू सब हैं, सब अच्छे हैं। ठीक है, नालायक बनेंगे ये लोग, मैं पढ़ाऊंगा, अगर इनमें से कोई नालायक हुआ तो क्या होगा। ठीक है, बदतमीजी किए कंपनी के साथ, मतलब समझ में आ रही है, मैं ऐसा गाली भी देता हूँ कभी कभी बच्चे, ठीक है, देसी गाली, शुद्ध गाली जो होता है मैं कभी कभी देता हूँ, चिंता मत कीजिए आप। ठीक है, सुनिए, तो ₹30 अगर नहीं देते क्या होगा, मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन हम अभी सब जितने शेयर होल्डर हैं सब अच्छे हैं और सब पैसे भी देते हैं, कंपनी का बात अभी मान रहे हैं। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, 40, 30, 30 एक शेयर का पैसा आ जाता है। उसी तरह जो पब्लिक 10,000 शेयर लिए होंगे, उस तरह से ₹40 प्लस ₹30 अलॉटमेंट में प्लस ₹30 कॉल में दे देंगे। जब दे दिए तो क्या होगा बच्चे, क्या होगा, हमारे पास सारा पैसा जो कंपनी का रिक्वायरमेंट था, कंपनी का रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या हुआ, सारा पैसा आ गया, कंपनी का रिक्वायरमेंट के हिसाब से सारा पैसा आ गया, मतलब 10,000 शेयर का गुना ₹40 प्लस 30 अलॉटमेंट का, 30 कॉल का, ये सारा पैसा आ गया, तो कितना हुआ बच्चे, ₹10,00,000। मेरी बात समझ में आई, ₹10,00,000 आ गया। ठीक है बच्चे, आप जानते हो अकाउंटिंग का मतलब एंट्रीज, मतलब ये तो डेफिनेशन में नहीं पढ़े थे, अकाउंटिंग मीन्स जर्नल एंट्री, ऐसा तो नहीं पढ़े थे। ठीक है, तो मेरा बोलने का मतलब ये है, कहीं ना कहीं हर, अच्छा सर एक बात बताइए हमको, मैंने बोला जी पूछिए सर, ये जो एप्लीकेशन लेटर आया उसके साथ साथ एप्लीकेशन मनी आया, पैसा आया, ये जो आया सर, ये एक डेट पे आया होगा, मतलब ₹40 जो एप्लीकेशन का पैसा आया एक शेयर के प्रति, 10,000 शेयर खरीदे होंगे शेयर होल्डर लोग, मैंने बोला हाँ, तो एक डेट पे आया होगा सर, हम तो जानते हैं जर्नल एंट्री जो होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है, डेट वाइज में, मैंने बोला हाँ बच्चे, सर ये जो एप्लीकेशन आया होगा, एप्लीकेशन जो दिए होंगे सर वो एक डेट होगा, फिर कंपनी जो उनको बुलाकर अलॉटमेंट करेगी शेयर सर वो एक अलग डेट होगा, मैंने बोला हाँ सर, फिर कंपनी जो कॉल करेगी वो अलग डेट होगा, मैंने बोला हाँ बच्चे, सवाल बिल्कुल सही है और जवाब भी मैंने दिया हाँ। सर क्या ऐसे भी हो सकता है एक साथ पूरा एप्लीकेशन के साथ साथ पूरा का पूरा ₹100 रिसीव कर ले, मैंने बोला हाँ ऐसा भी हो सकता है सर, ऐसा भी हो सकता है हम मतलब कंपनी, आप बच्चे एक बात सुनिए, मैं और एक बात यहाँ पे बोल देता हूँ, आप हमेशा कंपनी के हिसाब से काम करेंगे, मतलब आप कंपनी के अकाउंटेंट हैं ये सोचकर आप एंट्री सब करेंगे, ये सोचेंगे आप सब CPI लिमिटेड के कौन हैं, चीफ अकाउंटेंट हैं। ठीक है, CA चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, वो तो मैं हूँ। ठीक है, हाँ आप कौन है, चीफ अकाउंटेंट, आप भी CA हो। ठीक है, सिर्फ आप चीफ अकाउंटेंट हो और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, दिक्कत कुछ नहीं है बच्चे, पर दोनों अकाउंटेंट हैं चलो ठीक है, CPI लिमिटेड के चीफ अकाउंटेंट हो आप, यह मानकर चलिए। ठीक है, तो अब देखिए, हो सकता है ये ₹100 में से एप्लीकेशन में आ जाए ₹70, हो सकता है
अलॉटमेंट में आ जाए 30 रुपया, ऐसा भी हो सकता है। सर सर मैंने बोला जी जी सर हो सकता है 100 रुपये का 100 रुपया पूरा एप्लीकेशन के साथ आ जाए, पूरा एप्लीकेशन के साथ आ जाए। बच्चे यही होता है आजकल, बच्चे आजकल जो कंपनी में होता है बच्चे यही होता है, बाकी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। अब ऐसा अब का जमाना गया कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट और कॉल यह आजकल नहीं होता है। लेकिन जबकि बुक में है, जबकि एग्जाम में आते हैं तो इसलिए हमें सारा चीज पढ़ना होगा। लेकिन प्रैक्टिकली क्या पूरा का पूरा 100% फुल्ली पेड हो जाता है बच्चे, ठीक है। हाँ प्रैक्टिकल यही होता है, एक साथ पैसा सब ले लिया जाता है, ठीक है। हाँ सर चलिए तो बच्चे हम क्या करेंगे, अब ये बात बुक में है एग्जाम में आएगा तो इसलिए हम क्या करते हैं पढ़ते हैं इस तरह से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हर स्टेज का एंट्रेंस करना पड़ेगा स्टेज वाइज, जो अलग अलग डेट पे होता है स्टेज वाइज हमें क्या करना पड़ेगा जर्नल एंट्री करना होगा। समझ में आ गई बात। तो अब हम क्या करेंगे जो पैसा आया कैसे, शेयर कैपिटल का रुपया कितना था मैं लिखता हूँ, मेरे साथ साथ लिखिए यहाँ पे केस वन केस जीरो लिखिए, केस जीरो। मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए बहुत सारा क्वेश्चंस बनाया हूँ। ये देखिए ये सारा का सारा शेयर कैपिटल का क्वेश्चन है मेरे सामने, केस 1 केस 2 केस 3 ये सब केस 4 केस 5 ऐसा करके बहुत बड़ा क्वेश्चन है, केस 5 कितना बड़ा क्वेश्चन है, चिंता मत कीजिए मैं बहुत सारा क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। इधर भी है देखिए यहाँ क्वेश्चन मतलब केस नंबर 12 तक यहाँ पे आपके लिए भी क्वेश्चन है, आपको दे दिया जाएगा। मैं बोला था सीपीआई का पेज में, सीपीआई का फेसबुक पेज जो है ये क्लिक करना, सीपीआई फेसबुक, ठीक है। तो वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। और वैसे ही व्हाट्सएप में आप अगर मैसेज करना या डायरेक्ट मुझसे ले सकते हो, या नहीं तो आपने जिस नंबर पर रजिस्टर किया था उस नंबर से भी ले सकते हो, ठीक है। तो केस जीरो मैं लिखता हूँ, शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना है बच्चे, ₹10 लाख। कैसे ये 10 लाख ना, 10,000 शेयर्स ₹100 इच। ये ना कंपनी जो रिसीव की है, स्टेज क्या है एप्लीकेशन में कितना ₹40, अलॉटमेंट में कितना बच्चे ₹30, कॉल में कितना बैलेंस अमाउंट कहाँ पे, कॉल पे, ठीक है। तो बैलेंस अमाउंट अगर कॉल पे तो बैलेंस अमाउंट कितना होता है 40-30 कितना हो गया 70, बाकी कितना ₹30 बैलेंस आता है जो कि कॉल पे। सर मैंने बोला जी सर ये तीनों का डेट अलग अलग होगा, मैंने बोला हाँ चलिए मान कर चलते हैं। एप्लीकेशन आया बच्चे कब आया, एक फरवरी 2020, ठीक है। अलॉटमेंट का कब आया बच्चे, अलॉटमेंट का आया 8 फरवरी 2020। कॉल कब किया गया, बढ़िया डेट लूंगा देखो, 14 फरवरी। आहा क्या डेट है, हंसना मत 14 फरवरी, ठीक है। हाँ वैसे हर डेट अच्छा है, पता नहीं 14 फरवरी को कुछ नालायक लोग अच्छा मान लेते हैं। चलो 14 फरवरी 2020 मैं कॉल हुआ, कंपनी ने कॉल किया। हर दिन अच्छा है बच्चे, हर दिन अच्छा है। बताओ जिसने आपको बनाया है और आपके लिए जिसने दिन बनाया है, जिसने रात बनाया है, वो रात भी आपके लिए और दिन भी आपके लिए। जो आपको बनाया वो कितना अच्छा होगा और जो सारा चीज़ को बनाया वो कितना अच्छा होगा, जो बनाने वाला है वो कितना अच्छा होगा, ठीक है। हाँ बच्चे चिंता मत कीजिए, सारा चीज़ अच्छा है, बट बस नज़र को बदल दो आप। इसीलिए मैं बोला करता हूँ, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नज़र को बदलो नज़ारे बदल जाएंगे। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं बच्चे, दिशाएँ बदलो किनारे अपने आप बदल जाएंगे। वाह 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 सर वाह। चलो बच्चे ये रहा केस हमारे पास, सर और एक बार बोलो ना लायक हो, लिखो इधर जल्दी सवाल, ये रहा सवाल केस नंबर 0 लिखो।
लिख लिया आपने। चलो अब इसका हम क्या करेंगे, एंट्रीज करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, पार्ट टू जो दिया जाएगा उस पर हम क्या करेंगे, ये सब काम करेंगे, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।